तो नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए क्या है चिकन पॉपकॉर्न। ये जो KFC में चिकन पॉपकॉर्न बनाते हैं कितना आसान है और कितना इजी से बनाते हैं, तो आप भी घर पे इसको ट्राई करें और घर पर ही बनाएं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो चिकन को हम क्या करेंगे, बोनलेस चिकन ये इस क्यूब्स में काट लेंगे। तो आपने जो चिकन काटना है बिल्कुल एक साइज काटना, तभी आपके जो चिकन पॉपकॉर्न है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और इसमें जो चिकन मैरिनेट करेंगे, सबसे पहले डालेंगे नमक, उसके बाद डालेंगे ओरिगेनो, ये डालेंगे बेकिंग पाउडर, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, सॉरी हल्दी पाउडर नहीं है, ये है चिकन गार्लिक पाउडर, तो कलर इसका हल्दी जैसा है। उसके बाद डालेंगे ये है कश्मीरी मिर्च जो कलर देती है चिकन को। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ये फ्लेवर हमारे जो स्पाइसी होते हैं, जैसे कि इसमें मिर्च, काली मिर्च, चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगेनो, थाइम, सारा कुछ है, इसको बोलते हैं मिक्स हब। थोड़ा सा डालेंगे पिंच कलर, ये है हमारी 2 चम्मच मस्टर्ड सॉस। थोड़ा सा डालेंगे पेरी पेरी सॉस। थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के लिए अरोमेटिक पाउडर। उसके बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए आपको। अगर आप में तुरंत डालेंगे तो आपको जो चिकन है ना ये अच्छा नहीं बनेगा, अंदर से बिल्कुल सूखा ड्राई रहेगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल डालने से चिकन का जो सॉफ्टनेस है बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपने कोई भी ऑयल डालें, बटर डालें, ऑयल डालें, जो भी डालना है तो ये आपने करके रखना है। थोड़ा सा देखो हम डाल दिए विनेगर। विनेगर डाल सकते हैं या नींबू का रस डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। नींबू डालने से या विनेगर डालने से क्या होता है, चिकन हमारा जूसी होता है। अब ये हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब इसको हम रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अब एक छोटे से बाउल में लेंगे 2 अंडे। अंडे को फेंट लेंगे, आप फोक से फेंके फेंट लें या चम्मच से, जो भी आपके पास हो। उसके बाद इसे हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच। ये हमारा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हो गया और 2 चम्मच ही डालेंगे इसमें मैदा। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो चिकन मैरिनेट किया है ना उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो इसमें आपने पानी थोड़ा सा ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल थिकनेस हो गया। अब इसे हम चिकन में कर देंगे ऐड। ये देखो इसको मिक्स करने के बाद इसको फिर भी हम आधा घंटा रखेंगे ताकि जो मसाले हमने लगाए हैं वो सारे मसाले चिकन के अंदर बिल्कुल डायरेक्टली मिक्स हो जाएं। और इसको आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं और ब्रेड क्रम भी लगा सकते हैं। तो आज हम ब्रेड क्रम नहीं लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं जो KFC में चिकन पॉपकॉर्न आते हैं वो लगाएंगे। तो उसका नाम है कॉर्नफ्लेक्स। और ये जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ये बिल्कुल प्लेन होते हैं, इसमें कोई मीठा वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ये देख सकते हैं ये कॉर्नफ्लेक्स हमारे फ्रेश हैं। इस तरह से इसको लेंगे और इस तरह से क्रश कर देंगे। कोशिश करिए पीसना नहीं इसको, ऐसे क्रश करेंगे तो बिल्कुल जो इसका क्रिस्पीपन है बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से एक एक पीस चम्मच से उठाना है और आपने इस तरह से इसको डाल देना है। कोशिश करिए इसमें हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाएंगे तो आपको जो कॉर्नफ्लेक्स है ना वो गीला हो जाएगा,
ये देखिए चम्मच से आपने इस तरह से करना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं तो आप इसमें ब्रेड को पीस के लगा सकते हैं, या ब्रेड क्रम्स भी आते हैं वो लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो इसमें आप वो लगा सकते हैं कि जैसे आपके पास जो नमकीन सेमियाँ बनाते हैं वो भी लगा सकते हैं, यानी क्रिस्पी करने के लिए आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके पास हो, बट ये लगाएंगे तो कैप्सी वाला हो जाएगा। तो इस तरह से बना के इसको हम कम सारे रख लेंगे, और जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगे फिर इनको हम मीडियम आँच पर इसको फ्राई कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये हमारे चिकन पॉपकॉर्न बनकर रेडी है, तो इसी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे, एयर फ्राई कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी है।